क्वेश्चन नंबर वन की तरफ जाते हैं. मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 11x plus 8y subject to x is less than or equal to 4, y is less than or equal to 6. X plus y is less than or equal to 6. यार ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे लगता है. मैं थोड़ा सा अगला डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा रादर देन सॉल्विंग दिस वेरी इजी क्वेश्चन. आई प्रेफर टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर टू. सॉरी क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन बहुत इजी हो जाएगा. वो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 4x plus 6y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 3x plus 2y is less than or equal to 12. X plus y is greater than or equal to 4. X is greater than or equal to 0. Y is greater than or equal to 0. अब इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन विल बी ओनली इन द फर्स्ट क्वार्टर. याद रखिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था. ठीक है चलिए अब इसके स्टेप्स क्या है. द स्टेप्स आर फर्स्ट आई विल कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन. इनइक्वालिटी को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो पहला इक्वेशन आएगा 3x plus 2y is equal to 12 और ये इक्वेशन आएगा x plus y is equal to 4. हमने प्रीवियस 7.2 एक्सरसाइज में ये किया था. अब हम दोनों लाइंस के एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे. पुट एक्स इज इक्वल टू 0 आई गेट वाई इज इक्वल टू 6 सो इट विल बी 0, 6. सिमिलरली पुट वाई इज इक्वल टू 0 आई गेट एक्स इज इक्वल टू 4 सो दिस इज 4, 0. सिमिलरली इट विल बी 0, 4 and 4, 0. ठीक है. अब ये पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना पड़ेगा. इन लाइंस को हमें प्लॉट करना पड़ेगा. विल प्लॉट द पॉइंट्स एंड विल शो द लाइंस ऑन द ग्राफ. ये देखते हैं इसको. सो इट विल बी मार्क पॉइंट्स है. पहला पॉइंट हम पहले लाइन के लिए मार्क करेंगे. इट इज 0, 6 and 4, 0. तो दिस लाइन इज शोन हियर लाइक दिस. लाइन शो हियर. आई राइट डाउन द इक्वेशन हियर. 3x plus 2y is equal to 12. Now my origin test, O test lunga. This is the origin. If I substitute 0 plus 0, it will be 0 and 0 is less than 12. So on the origin side, it is 3x plus 2y is less than 12. Agar ye less than 12 hai, to upar ki taraf aayega greater than 12. 3x plus 2y is greater than 12. And I want less than or equal to 12. So I want set of all the points on the origin side, but in the first quarter. Is this clear to you all? Please check. Similarly, I'll go for the second line for 0, 4 and 4, 0. Okay? Let's mark the line here. Mark this line. The equation is x plus y is equal to 4. Origin test le lete hain. Origin test 0 plus 0, it is 0, 0 is less than 4. So on the origin side, it is less than 4. On the other side, it is greater than 4. And I want x plus y greater than or equal to 4, matlab outside this line, on the line and outside the line. So I'll mark set of all the points in the first quadrant, which are above the line, on the non-origin side. And now I have to go for the common shaded area. Common shaded area is this area. ये रहा कॉमन शेडेड एरिया. तो ये होगा हमारा ऑप्टिमल ऑफिस
feasible solution. This is the feasible solution. Feasible solution. Is this clear? ठीक है, यहां तक हमने थर्ड एक्सरसाइज में सॉरी सेकेंड एक्सरसाइज में किया. अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है. ये करने के बाद इफ आइदर वी गेट कंप्लीट पॉलीगॉन या इनकम्प्लीट ओपन रीजन मिलेगा आपने. सो दिस इज अ कंप्लीट पॉलीगॉन. और हमें यहां पर तीन उसके जो वर्टाइसेस है वो फाइंड आउट करने, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने. कौन से? ए बी एंड सी. सो ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए. तो यहां मुझे डायरेक्टली मिलेगा ए का कोऑर्डिनेट है 0.6, बी का कोऑर्डिनेट है 0.4 और सी का कोऑर्डिनेट है 4.0. ठीक है, और यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि इन तीनों में से एक पॉइंट पर हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेगा इन तीनों में से एक पर. मतलब या तो वो इस लाइन पर हो सकता है या तो इस लाइन पर हो सकता है. इट विल बी एनीवेयर ऑन द इट विल बी एनीवेयर एट द वर्टेक्स, एनी ऑफ दिस वर्टेक्स. सो आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड फॉर ए. जेड इज दिस 4x + 6y. तो वहां पर मैं ए का कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो इट विल 4 × 0 + 6 × 6, that will be 36. Z at B will be 4 × 0 + 6 × 4, that is 24. And Z at C will be 4 × 4 + 6 × 0 = 16. So maximum value हमें कहाँ पर मिल रही है? Of course, maximum value we are getting at A. This is the maximum value. So what we write here, that is Z max is equal to 36 and x is equal to 0 and y is equal to 6. ये है हमारा solution. We call this as optimum solution. हम इसे क्या कहते हैं? Optimum solution. Is this clear to you all? Please check, very easy. बहुत simple है ये. समझ में आया सबको ये?